गुड मॉर्निंग फ्रॉम आमेर फोर्ट। सो आज यार जिस जगह पे जाने वाले ना, उस जगह का प्लान यार काफ़ी टाइम से बन रहा था। तो कल भी आमेर आई हुई थी, बट क्या है, ये जो पॉइंट है ना, वहाँ से कहते हैं कि आमेर की जो ब्यूटी आती ना, उसका कुछ कह नहीं सकते। मैं आपको दिखाऊंगा इसका क्या है, क्या सीन है, मतलब सबसे बेस्ट व्यू आता है आमेर का। काफ़ी ट्रैकिंग है थोड़ी यहाँ पे, बट वही है ना, एक थोड़ी मेहनत करने के बाद जो सक्सेस होती है ना, वो अचीव करने का मज़ा होता है ना, वो आज वहाँ जाके पता चलेगा क्या है क्या सीन नहीं है। और बाकी अभी सुबह का यार, ठंड तो इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने प्लान किया था कि यार जल्दी निकले, बट हो जाता है यार लेट वगैरह थोड़ा। तो क्या है वहाँ पे सनराइज़ का अच्छा काफ़ी है, बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे क्या है वहाँ पे। अभी हाथ बिल्कुल ऐसे ठंडे हो चुके हैं यार, इतना ठंडी है, मतलब जयपुर के उस साइड एरिया में तो बिल्कुल है नहीं ठंड आज 2-3 दिन से, बट अभी क्या है पहाड़ों का एरिया और यहाँ पे पानी वगैरह भी है ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड है ना, नाक से पानी आने लग गया यार, इतनी बुरी हालत हो रही है। अभी तो ट्रैक करके और जाना इतना ऊपर। एक्चुअली क्या, मेरे भैया आए हुए थे मुंबई से, तो उनको थोड़ा दिखाना भी था जयपुर वगैरह का, मैं आपसे मिलवाऊंगा थोड़ी देर में उनको एक बार। तो चलते हैं फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। अभी बस बाइक वगैरह लगा दी, इधर क्या है पार्किंग की थोड़ी दिक्कत है, तो अभी इनसे बात की दुकान वाले ने बोला इधर लगा दो। किधर से जाना है रास्ता, किधर से भाई? मस्जिद के उधर से। ठीक है भाई, अभी मेरे साथ में अभिनव भी हैं भाई, ये मतलब मुंबई से कल ही आए थे, तो उनको कल आमेर फोर्ट वगैरह दिखाया था। तो व्लॉग उसका मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कल वो ऑलरेडी मैंने बना चुका था। उसका व्लॉग अगर देखना है तो आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा आपको, अगर देखना हो तो। उसका क्या पहले कवर कर चुके थे, तो वापस बनाने से कोई मतलब था नहीं। इस जगह पे कभी आपको आना होना तो ये आमेर का है एंट्रेंस, उसके इधर एक मस्जिद आएगी यार, फोग हो रहा है पूरा। मस्जिद के जस्ट बगल में स्टेयर्स जा रही है, आपको उसी को बस फॉलो करते करते यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एक एंट्रेंस आएगी ऐसी, देन बस कंटिन्यू करना आपको अपना ट्रैक। बहुत ऊपर है यार, अभी से इतनी मतलब सीढ़ियों की हाइट इतनी है, 1 फीट की पर स्टेयर की हाइट है, अब चढ़ा भी जाएगा कितना ऊपर। ऑलमोस्ट यार लेग्स डे आज बिल्कुल हो गया है यहाँ पे हमारा। ट्रैकिंग वगैरह का क्या, मैंने शूट किया नहीं था क्योंकि यार इतनी डिफ़िकल्टी हो रही थी ना चढ़ने में, मतलब स्टेयर्स अराउंड यार 100 तो होंगी, ज़्यादा ही होंगी, बहुत डिफ़िकल्टी है। पर कहते हैं ना कि ऊंचे पहाड़ों का साथ तो पेड़ भी छोड़ देते हैं, कुछ तो कीमत चुकानी ही पड़ती है ना ऊंचाई तक पहुँचने के लिए। तो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ यार का कैसा है, एकदम मतलब अमेजिंग। आमेर का जो सामने से व्यू आ रहा है ना, अनबिलीवेबल यार, अमेजिंग व्यू आ रहा है एकदम। यहाँ पे एक सागर लेक है, लास्ट टाइम वो कवर करने का था प्लान, तो ट्राई करते हैं अगर वो भी हो पाएगा पॉसिबल। अब यहाँ पे उतरने में कितनी एनर्जी लगेगी, चढ़ने में तो पूरी हालत टाइट हो गई हमारी, बाकी उतरने में इतनी दिक्कत होती नहीं है, बाकी देख लेते हैं वहाँ पे क्या सीन है क्या नहीं है जाके। बट यहाँ पे सबसे मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आपको आना है ना सुबह आओ, सबसे बेस्ट है। अब तो थोड़ी धूप हो गई है, हम तो फिर भी 7 o'clock स्टार्ट किया था ट्रैक हमने, तो इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं। अगर इस टाइम पर स्टार्ट करते ना तो देट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू कम्प्लीट दिस ट्रैक। यहाँ पे यार ये जो बन रखी है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है यहाँ पे रनिंग करते हुए, बट अभी मैंने ट्राई किया यार, हो ही नहीं पा रहा। और अपने जूतों पे भरोसा तो कभी करना भी मत यार, कभी भी स्लिप हो सकते हैं, और यहाँ पे इतनी गहराई है ना, बच्चों के भी नहीं नीचे चले गए। तो काफ़ी लोगों को देखा इंस्टाग्राम पे यार, यहाँ पे रनिंग का वीडियो डालते हैं पूरा, बट अब पॉसिबल हो नहीं पाएगा यार, काफ़ी डिफ़िकल्ट है थोड़ा ये वीडियो। थोड़ा मैं इसमें यार पहले सोचा था सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसका, बट अब इसमें मैं ना सागर लेक वगैरह वो भी ऐड करने की सोच रहा हूँ।
ये जगह तो यार कवर हो चुकी है, अब सागर लेक की तरफ जाते हैं एक बार। यार वहाँ पे एक बावड़ी भी है, पन्ना मीना कुंड, उसका भी देखेंगे अगर कवर हो पाएगा तो। अभी चढ़ तो गए हैं यार, अब उतरने में देखते हैं कितनी डिफिकल्टी होती है। अभी इतनी देर तो आज क्या है, वीकडेज में थोड़ी यहाँ पे क्राउड बिल्कुल नहीं रहता है यहाँ पे, वीकेंड में थोड़ा बहुत फिर भी रहता है, वीकडेज में भी आज अभी तक तो कोई नहीं था, फिर भी एक दो लोग आ चुके हैं, एक दो नहीं, पहले तो इतनी देर तो कोई नहीं था, हम ही थे मतलब यहाँ पे। ट्राई करना है एक बार आमेर का जो व्यू आएगा ना, मतलब फोर्ट्स के अंदर जाने से बेटर व्यू यहाँ पे मिलेगा आपको, एकदम पीसफुल, थोड़ा एडवेंचर भी इतनी ऊपर, आपकी लेग्स की एक्सरसाइज भी अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ पे मतलब दो तीन डोम बन रखे हैं, एक तो लास्ट था मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो था, और एक अभी मैं इस साइड आया हूँ यहाँ पे भी है, पर उससे नीचे हाइट पे है, तो यहाँ पे मतलब आप ट्रैकिंग करके आ रहे हो तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ पे आपने फोटोज़ वगैरह देखी होगी, डालना आमेर फोर्ट ट्रैक अगर आप गूगल करोगे तो सबसे पहले आपको यही फ़ोटो मिलेगी इसी डोम की, तो काफ़ी रिलैक्सिंग है, मतलब यहाँ पे पाँव लटका के आप इजीली बैठ सकते हो, और रिस्क भी इतना है नहीं, बट लोग कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा अनअवेयरनेस वगैरह की वजह से, थोड़ा रनिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे उन पे वॉल्स वगैरह पे, तो थोड़ा वो रिस्की है, तो अवॉइड करें वो ट्राई करना। अभी यहाँ पे यार अभी मैंने देखा इतना कचरा है, और यहाँ पे वॉल्स वगैरह पे देखो पूरे मतलब बना रखा है इन लोगों ने, पूरे यहाँ पे लव साइट बना रखी है, मतलब गवर्नमेंट कितना मैनेज करे यार, यहाँ पे हर जगह लिख रखा है पता नहीं क्या क्या पत्थरों से। ये देखो यार कितना तगड़ा है व्यू, देखो नीचे बिल्कुल कम्प्लीट, मतलब यार नीचे देखने में ऐसे डर लग रहा है कि बस गिर गए ना, कुछ बचने वाला ही नहीं है। अभी स्टेयर्स देख के ऐसे लग रहा है यार इतना नीचे जाएंगे कैसे, यहाँ पे एक मन तो कर रहा है जल्दी जल्दी उतर जाएं, बट अब क्या है स्टेयर्स की हाइट काफ़ी लंबी है यार, उतरने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है, पकड़ पकड़ के उतरना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ है भी नहीं सपोर्ट के लिए, घर पे जाके यार पाँव की हालत बहुत ख़राब होने वाली है आज, एक्सट्रीम हो गया आज ये तो बहुत ज़्यादा। तो अभी यार सागर लेक तो पहुंच चुके हैं, अब यार इस जगह पे हमने लास्ट टाइम मतलब सितंबर के टाइम में नारगढ़ जयगढ़ और आमेर का जब किया था ना, तब इसको भी रिकॉर्ड तो किया था, बट क्या मेरा फ़ोन तो स्विच ऑफ हो चुका था, बट जो मेरे साथ में नीतीश था ना तो उसके फ़ोन में स्टेबलाइजेशन था नहीं, तो फिर मैंने इसको आगे प्रोसीड किया नहीं, एडिट वगैरह किया नहीं, बट अब तो यार इसकी पूरी हालत ख़राब हो चुकी है। मैंने वो कहा था ना यार, मैं हर बार कहता हूँ जयपुर की ब्यूटी है ना मानसून में ही दिखती है यार, अभी तो मतलब यहाँ पे इतना पूरा देखो कीचड़ वगैरह सब जमा हुआ है, देखो पूरा, और पानी पानी का लेवल भी काफ़ी डाउन हो चुका है, मतलब बारिश के टाइम में तो ऑलमोस्ट फुल हो ही जाता है यार, और ग्रीनरी पूरा सूखा चारों तरफ बिल्कुल कंप्लीट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे चारों तरफ, इतनी बदबू और मच्छर वगैरह खूब है यहाँ पे।